बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह के बारे में जब भी कोई खबरें आती हैं, सुधाकर सिंह के बारे में जब भी कोई बातें निकलकर सामने आती हैं, तो सभी के जुबान पर ये चर्चा तेज हो जाती है, यही वो नेता हैं जिन्होंने नीतीश सरकार की बखिया उधेड़ दी, यही वो नेता हैं जिन्होंने अपने आप को चोरों का सरदार बताया। एक बार फिर से सुधाकर सिंह की कई तस्वीरें और फोटोज वीडियोज वायरल होने लगी हैं। दरअसल सुधाकर सिंह मानने को तैयार नहीं हैं कि बिहार सरकार में जो उनकी सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार की सहभागिता कितनी है। सुधाकर सिंह के बयानों की वजह से बार बार लालू नीतीश की दोस्ती पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने बयान दिया और इस बयान के जरिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया गया। दूसरी तरफ से नीरज कुमार ने मोर्चा संभाला, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भी इस सरकार में मंत्री हैं या पहले मंत्री थे, उन्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कृषि के क्षेत्र में कई अवार्ड मिल चुके हैं और किसानों के लिए नीतीश कुमार ने कितना अच्छा काम बिहार में किया है, ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक से बाहर निकलने का फैसला लिया, फाइल टेबल पर पटक कर वो बाहर चले गए। मंत्री, विधायक और नीतीश कुमार खुद रोकते रहे लेकिन वो रुके नहीं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद मामला ठंडा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से सुधाकर सिंह के बयानों ने बिहार की सियासी माहौल को गर्मा दिया है। सुधाकर सिंह लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो या तो मान जाए या सुधाकर सिंह उन्हें मनवा कर रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक भी ये खबर पहुंची थी। नीतीश ने अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि वो मंत्री हैं, उनकी बातों को भी सुना जाए, उनकी बातों को भी रखा जाए, लेकिन बिहार में ये पहली बार नहीं है। अधिकारियों की वर्चस्वता, अधिकारियों को लेकर जो चर्चा लगातार होती है, मदन सैनी ने इस्तीफे की पेशकश की थी। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में रामसूरत राय का विवाद आपको पता होगा और एक बार फिर से वही विवाद सुधाकर सिंह मामले को लेकर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लालू नीतीश की दोस्ती पर कितना असर पड़ेगा, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर कितना असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सुधाकर सिंह के बयानों को अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये तय होता हुआ नजर आता है और ये बातें जग जाहिर है कि बिना लालू और तेजस्वी के आदेश के नीतीश कैबिनेट का कोई मंत्री नीतीश के खिलाफ नहीं बोल सकता है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि सुधाकर सिंह के बयान राष्ट्रीय जनता दल के बयान और लालू तेजस्वी के बयान से मैच करता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस मसले पर भी सफाई दी और कहा कि सारी चीज़ों को देखी जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निशाना सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डाला है। ऐसे में अब एक बार फिर से लालू नीतीश की नई नई दोस्ती पर सुधाकर सिंह ने ग्रहण लगा दिया है। यूनियन है नहीं, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई है नहीं और लड़ेगा भी कौन? लड़ने के लिए जाएंगे तो किसान गायब रहता है। कोई साल नहीं है जो हम भगवान मुख्यालय पर दो बार से कम खाता दिए हों। एक दिसंबर जनवरी में तो पक्के तौर पर मैं जाता हूँ दो बार खाता देने के लिए, और अगर और कार्यक्रमों को जोड़ दिया जाए तो अलग किसानों के सवाल पर हम जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन एक किसान नहीं जा रहा। क्योंकि बिहार का किसान जातियों के दायरे में बंधा है और ज्यादा से ज्यादा दलीय प्रतिबद्धता में बटा हुआ है, जिस दल से मिलता है उससे बाहर नहीं जाना चाहता। तो कुल मिलाकर जाते 400-500 है हमको, 400-500 में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, वो गांव का स्तर का कार्यकर्ता हो या जिला स्तर का कार्यकर्ता, ये ही कर जाते हैं। पूरा किसान आंदोलन चल रहा था देश में, एक आदमी किसानों के खिलाफ देश में कानून बन रहे थे, एक आदमी नहीं निकला जिसको कहा जाए कि किसान के तौर पर। अब हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जाते हैं, आंदोलन करते हैं, सवाल ये है कि फिर किसान की बात सुनेगा कौन? और मैं एक महीना से मंत्री हूँ तो अभी तक मेरे दरवाजे पर किसानी को लेकर कोई नहीं आया। आता है आप जमीन का ब्याज से झगड़ा होगा तो चलाएगा पैरवी के लिए जिला बक्से, तो
500 से कम आदमी नहीं मेरे पास आता, लेकिन कोई काम से नहीं आता। 500 में से 20-25 तो बिजली के काम के लिए आते और किसानी के सवाल को लेकर नहीं आते। मेरे पास अभी आवेदन है दिखाई, जितने यहाँ है बता दिया आपको। नेता के लिए अलग विषय है और काम जनता क्या चाहती है वो अलग विषय है। देखिए आवेदन है सरैया का, उन्होंने बात की है बिजली की समस्या है। सरैया के हैं छठू राम जी, बिजली की बात कर रहे हैं बेचारे। बात ठीक है, बिजली चाहिए। दुर्गावती जलाशय से परियोजना से पानी नहीं मिल रहा है, ये जनता नौकर की है, ये पानी की समस्या है। ये नौकरी वाले हैं जो छोड़ देते हैं बेचारे को। किसान सम्मान चाहिए सरकार के लिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386